वेलकम बैक दोस्तों। आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022, यानी कि आपका 2022 का जो प्री बोर्ड परीक्षा है उसकी इंग्लिश मीडियम के 12th का ये फिजिक्स का पेपर है। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया था जिसमें आपको 7 MCQ दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपको सही विकल्प चुनना है। यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज क्यू प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई इज, यानी कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू, चार्ज क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो ए बराबर क्यू ई। अब मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेंज रूल इज रिलेटेड टू, जो लेंज का नियम है वह किससे संबंधित है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम से ये संबंधित है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ लीस्ट वेव लेंथ, यानी में से किसका तरंग धैर्य सबसे कम है, लीस्ट यानी सबसे कम है इनमें से, तो गामा रेज का। यहाँ पर गामा रेज सही आंसर हो जाएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज लीस्ट, निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्या पूछा गया यहाँ पर, फॉलोइंग कलर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज लीस्ट, यानी न्यूनतम अपवर्तनांक पूछा है कांच के लिए किस रंग का, तो रेड कलर का। फॉर गुड रिजोल्यूशन अ टेलीस्कोप मस्ट हैव, अच्छे रिजोल्यूशन यानी विभेदन के लिए टेलीस्कोप में यानी दूरदर्शी में होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज डायमीटर, यानी जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो बाद वाला लेंस है, वह अधिक व्यास का होना चाहिए। अगला है द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 वोल्ट इज, यानी 150 वोल्ट के त्वरित एक्सेलरेट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि त्वरित इलेक्ट्रॉन विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन के संबंध की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी, तो 1 एंगस्ट्रॉम। फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाइए रिक्त स्थानों की पूर्ति में। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज, यानी एक आदर्श वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होता है तो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट देखिए, इन एलसी सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज, एलसी परिपथ में धारा, बिटवीन वोल्टेज धारा और करंट, विभवांतर यानी वोल्टेज हो गया आपका और करंट यानी धारा के मध्य आपको कालांतर बताना, तो 90 डिग्री। रे आर यूज फॉर फोटोग्राफी इन डार्कनेस, यानी अंधकार में या फिर अंधेरे में फोटोग्राफी करने के लिए कौन सी रेज, तो इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणें। रेज आर यूज एज बैक्टेरिसिडल, यानी कि आपको बताना है कि जीवाणुनाशक के रूप में तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यानी कि पराबैंगनी रेडिएशन का, तो यहाँ पर दिया ही है, रेज लिख सकते हैं आप, रेडिएशन की बजाय आप अल्ट्रा वायलेट रेज लिखेंगे, ठीक है, रेडिएशन नहीं लिखेंगे, पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट से हो जाता है। वेन द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज, जब जो सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है, इट्स मैग्निफिकेशन पावर गेट्स, तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, डिक्रीज यानी घट जाती है। अ थीन फिल्म एपियर कलर्ड इन वाइट लाइट, यानी एक श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है, तो व्यतिकरण है, और इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे इंटरफेरेंस, INTERFERENCE, इंटरफेरेंस। नोट गेट इज आल्सो कॉल्ड, तो हमने देखा था व्युत्क्रमक गेट इसको कहते हैं, तो ये इन्वर्टर सर्किट इसको कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड सेंटेंस, आपका जो निम्न है इनका जो है एक शब्द में आपको उत्तर देना है, तो राइट द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है एसआई यूनिट बताना है, तो न्यूटन अपॉन कूलाम लिख सकते हैं, या फिर N/C यानी न्यूटन अपॉन कूलाम डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। अ वायर स्ट्रेच्ड टू ट्रिपल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी किसी वायर को जो है इसकी ओरिजिनल लेंथ से जो है स्ट्रेच कर दिया था, कितना, 3 गुना। देन हाउ मेनी टाइम इट्स रेजिस्टेंस गेट इंक्रीज, तो इसका जो प्रतिरोध है वो कितना बढ़ जाएगा, इसका जो प्रतिरोध है 9 गुना बढ़ जाएगा, तो 9 टाइम्स हो जाएगा। राइट द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या स्व प्रतिरोध को आपको एसआई मात्रक बताना है, हेनरी HENRY। ऑन विच प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर, किस प्रिंसिपल पर जो है ट्रांसफार्मर वर्क करते हैं, तो अन्योन प्रेरण का सिद्धांत, या फिर आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। राइट द नेम ऑफ द रेज यूजफुल फॉर सिंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन फॉग, यानी आपको उस रेज का नाम लिखना है जिसका उपयोग जो है दूरस्थ वस्तु जो कोहरे में होती है उनको देखने के लिए किया जाता है, तो इंफ्रारेड। व्हेन इज द वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, पूछा गया उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड
पोल यानी पोल और फोकस के बीच में जो है ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हाउ मच मिनिमम बैंड गैप इज रिक्वायर्ड इन अ सेमी कंडक्टर यूज टू मेक एलईडी, यानी कि एलईडी का निर्माण करने के लिए जो अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है सेमी कंडक्टरों का, उनमें बैंड अंतराल कितना होना चाहिए? तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर आप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मेजर कॉलम में आ जाइए, इलेक्ट्रिक पावर, तो इसका हो जाएगा आपका आर स्क्वायर आई। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका हो जाएगा आपका ओमेगा एल। बूस्टर्स ला, पोलराइजेशन, ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्केटरिंग ऑफ लाइट, क्वांटम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जेनर डायोड, वोल्टेज रेगुलेशन, मूविंग कोयल, गैल्वेनोमीटर, तो इसका हो जाएगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इस तरीके से ये आपके इंग्लिश मीडियम के फिजिक्स के जितने भी एमसीक्यू हैं उनके आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।